Hello everyone, a very warm welcome to BYJU'S exam prep and a very very warm welcome to a special discussion session. तो आज के स्पेशल सेशन में हम आपसे स्पेसिफिकली डिस्कस करने आए हैं जो पढ़ाया वही आया, कीपिंग इन व्यू द करंट एग्जामिनेशन जो कि हुआ था 10th अक्टूबर को. तो वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल इंपॉर्टेंट प्रूफ कि कहां से क्वेश्चंस बहुत सारे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे कोर्स मटेरियल से आए हैं. तो इसी स्पेशल सेशन के लिए फटाफट से जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन. Yes, good afternoon everyone and welcome to BYJU'S exam prep. तो 3 बजे का सेशन है, स्पेशल सेशन है एंड स्टूडेंट्स की डिमांड पे सेशन है कि आप दिखाइए कि नोट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए. हमने आपसे पहले ही कहा था कि 80% जो क्वेश्चन पेपर था वो आराम से आपको नोट से मिल जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड ये सेशन की इंटेंशन यही है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने सोर्सेज को थोड़ा लिमिट करके रखो. जब भी आप यूजीएस नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एंड जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो अपने सोर्सेज को लिमिट कर लो. लिमिट कैसे करोगे, बस कोर्स नोट्स पढ़ो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मोर देन इनफ है, जेआरएफ आपको क्रैक हो जाएगा. यही दिखाने के लिए हम आपको एविडेंस के साथ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर था एंड किस तरीके से नोट से डायरेक्ट आया है. ठीक है, तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करते रहो और फिर हम शुरुआत करते हैं. And everyone, this for your notice, this is the first session जो हम ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी questions हैं. Since we had limited time in this session, तो ये पहला session है. We are going to bring you more sessions जहाँ पे हम और भी question paper को analyze करके direct and indirect questions निकालेंगे. Because I think you all demanded to see, and when we were actually going through, तो we were like super proud of our notes, क्योंकि बहुत सारे indirect तो आई हैं, but we have बहुत सारे direct questions which are directly word to word from our notes जो हम आपको दिखाएंगे. और ये पहला session है, ऐसी और भी sessions हम लेके आएंगे where we are going to analyze the paper and show you with proof कि हमारे course से क्या क्या आया. And as sir said, the strategy here is कि थोड़ा sources को limit करना है और best sources से पढ़ना है. So our study notes are made from the best prescribed books जो कि specially UGC NET के लिए prescribed हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपकी स्टडी नोट्स जो है वो आपका बेस मटेरियल होना चाहिए, जो हम हमेशा कहते हैं. तो फटाफट से ज्वाइन इन कर लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योर क्वेश्चंस एंड फिर इसको कंटिन्यू करते हैं. हाँ मैम, हम बोलते हैं कि एंशिएंट के लिए आपको उपेंद्र सिंह पढ़ना है, विपुल सिंह पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, पर हम उससे ही नोट्स बना के इनको देते हैं. तो जब हम एनालाइज भी कर रहे थे तो हमने देखा था कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, वर्ड टू वर्ड पहली बार ऐसा देखने को मिला है, वर्ड टू वर्ड जो कि नोट्स के अंदर मिला हुआ था. और सर मुझे लगता है हमें बहुत इजी भी वहां निकालने में, as soon as we saw the question, we knew कि ये हमारे उस नोट के उस पेज से आया हुआ है. It was very easy for us also. हाँ, टाइम टेकिंग था लेकिन इजी था, बहुत आराम से मिल रहा था, इतना हमें ढूंढना नहीं पड़ा. स्टूडेंट्स को दिखाएंगे भी किस तरीके से नोट से क्वेश्चन पेपर आया है. तो शुरुआत करते हैं हम. यस, तो जो पढ़ाया वही आया. इस सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं. तो कुछ एक ही करके क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे. चलिए मैम. ओके, so firstly before we start the session everyone, all those who want to join our courses, so ye hamari foundation course ke bilingual aur english batches chalte hain. so all those jinhone abhi bhi join nahi kiya hai and who are attempting for the next year, to please fatafat se courses zarur join kar lijiyega. we offer you 130 plus live classes, 20 plus mock test, 130 plus pdf and lots of practice questions. plus sabse trp ye hai ki aap live classes mein doubt pooch sakte hain, as well as we have 24 hours doubt resolution. तो फटाफट से कोर्सेज जिनको ज्वाइन करना है प्लीज डू नॉट वेट, क्योंकि अगर आप एंड में ज्वाइन करते हैं तो यू मिस मोस्ट ऑफ द स्टफ. तो स्टार्टिंग से एक स्ट्रेटजी बना लीजिए जहां भी यू हैव टेकन द कोर्स. एट द सेम टाइम आप ऐप और यूट्यूब सेशंस भी अटेंड कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स्ट्रा एंड होलिस्टिक कवरेज. यस, तो बाइलिंगुअल बैच अभी आपका 2nd of November से शुरू होने वाला है, तो मेक श्योर शुरू से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन का नहीं मालूम है कब हो सकता है. हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैन फेब के अंदर हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने तो चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए. तो बाइलिंगुअल बैच आपका 2 नवंबर से शुरू होने वाला है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा शुरू में ही, बीच में ज्वाइन ना करें, शुरू में ही ज्वाइन करें. शुरू में एक क्लास पढ़ के जाए, डिसिप्लिन हो के रोज पढ़े, 6-7 घंटा रोज पढ़े, तभी आपका एक अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ निकल जाएगा. Okay, so moving to the first question. So as we said, we have lot of questions to show you. आज क्योंकि limited time है तो हम limited questions दिखाएंगे. Next sessions में आपको और question दिखाएंगे. So there is this one question which came कि ऋग्वेद में basically मृदवाच जो है ये basically किसको refer किया गया था. And this question is very very directly from our notes. क्योंकि जब notes में हमने वर्णा system के बारे में description दिया था तो आपके notes में specifically लिखा हुआ है
कि बेसिकली दिस इज अनदर एडजेक्टिव जो कि यूज होता है एंड द एडजेक्टिव वाज मृदवाच. तो इफ यू कैन सी इट इज द सेम थिंग पूछा गया है आपको कि ऋग्वेद में इस शब्द का क्या मतलब है एंड सीधे सीधे आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि भाई ऋग्वेद में ये जो शब्द है ये किसको रेफर करता है. सो ऑल दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम द नोट्स 2 मार्क्स आपको सुपर गारंटीड है क्योंकि इससे इजी वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस कभी आ ही नहीं सकता है. ठीक है, तो एंशिएंट हो गया. अभी हम मॉडर्न की तरफ मूव ऑन हैं. तो आपने देखा है जेम्स मिल का क्वेश्चन आपके सामने है. जेम्स मिल ने एंशिएंट पीरियड को कैसे कैरेक्टराइज किया है, मिडिवल को कैसे कैरेक्टराइज किया है एंड ब्रिटिश पीरियड को कैसे कैरेक्टराइज किया है. तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट देखोगे उसने क्रिश्चियन पीरियड बोला हुआ है, लेकिन आप अगर नोट्स के अंदर जाओगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हिंदू बोला हुआ है, मुस्लिम बोला है एंड ब्रिटिश बोला हुआ है. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका. हिंदू बोला है, मुस्लिम बोला है, ब्रिटिश बोला है, यही जेम्स मिल है. सिंपल आपको नोट्स के अंदर भी डायरेक्ट मिला हुआ है, डायरेक्ट नोट्स आपको मिला हुआ है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन ऐसी है जो इस बार बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन में भी आई है. सो समहाउ रिपीटेड फॉर्म आपके पेपर में था, अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं एज हिज पर्सनल फेथ और ये कहां मेंशनड है. यू गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यहीं पे आपके नोट्स में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है माइनर रॉक एडिक्ट 3 हैज बीन फाउंड एट बेरार एंड इस इंस्क्रिप्शन में अशोका संघ को ग्रीट करते हैं, अपनी फेथ बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं, धम्मा के बारे में बताते हैं, संघ के बारे में बताते हैं और 6 टेक्स्ट जो वो चाहते हैं, जो वो डिजायर करते हैं कि लोग पढ़े. सो ओवर दिस डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन इन योर स्टडी नोट्स. तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यू विल डायरेक्टली कम टू द राइट आंसर क्योंकि वर्ड टू वर्ड द क्वेश्चन हैज बीन फ्रॉम योर स्टडी नोट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट सबको मालूम है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है. हमने आपको पहले भी बताया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट के अंदर किसने आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया है कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी. तो किसने रिजेक्ट किया है, मॉरिस डी मॉरिस ने रिजेक्ट किया था. आप देख सकते हैं 1968 डिबेट ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉरिस डी मॉरिस इन्होंने क्रिटिसाइज किया था उन लोगों को जो ये बोलते थे कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. इनके मुताबिक ये था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है. मॉरिस डी मॉरिस सीधे के सीधे आपके नोट से. चलिए ओके, देन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इनफैक्ट इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार ऐप पे भी किया है, हमने इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे भी किया है एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू दिस इज वन एरिया जहां से बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं. तो आपके पास था मैच द फॉलोइंग नीलथल मुल्लाई पल्लाई एंड कुरंजी और आपको बोला गया था ये किस तरीके के लैंड्स है मैचेड. इफ यू सी योर क्लास नोट्स जो कि आपको संगम एज का मिला था, ये पूरा का पूरा साफ साफ मेंशन है 5-fold divisions of land, जहां पे कुरंजी इज बेसिकली हिल ट्रैक, मुल्लाई इधर जो दिया हुआ है कंट्री लैंड, मारुदम एंड देन नेलदाल एंड पलाई. तो वर्ड टू वर्ड दिस हैज बीन फ्रॉम योर नोट्स एंड इसको हमने काफी बार भी सेशंस में जोड़ दिया था इस एरिया को. तो जिन्होंने थोड़ा सेशन फॉलो किया होगा और नोट्स पढ़े होंगे दिस इज गुड टू गो इन योर पेपर. ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही था, बिल्कुल मैच द फॉलोइंग में. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन आपने एजुकेशन पार्ट के अंदर पढ़ा होगा मॉडर्न के अंदर. तो देखो नीचे भी नोट्स के अंदर वही था, वार द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कितने साल के लिए थी, 7 साल के लिए थी, क्या क्या प्रोविजन थे. तो सिंपली देखो वही डिट्टो वर्ड डिट्टो पॉइंट दिया हुआ है, डॉट लगा के ठीक है डिट्टो पॉइंट दिया हुआ है. तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे नोट से है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. ओके, सो सर ये भी एक ऐसी क्वेश्चन है, व्हेन वी डिड इट आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स. अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार ऐप और यूट्यूब पे भी कराया था एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जब हम लेटर वेदिक की बात करते हैं दिस इज वन एरिया जहां से मोस्टली हमारे क्वेश्चंस उठते हैं एंड वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आपको ये पूछा गया था कि बेसिकली ये जो करप वर्ड है व्यंजन है कि किससे बना हुआ है. तो इफ यू गो टू द स्टडी नोट्स में साफ साफ मेंशन है करम वाज अ पॉरेज जो कि बना है ग्रेन से, बार्ली से और ससम से. तो ऑल ऑफ द अबव वर्ड टू वर्ड फ्रॉम योर नोट्स अगर आपने ये पढ़ा होता और अगर आपने जनरली ऐप सेशन भी किए होते तो वी हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स. सो वर्ड टू वर्ड हैज बीन फ्रॉम द क्लास नोट्स. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बहुत ही इजिली विदाउट एनी कंफ्यूजन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ट्रीटीज दी हुई है. ट्रीटी ऑफ सूरत दिया हुआ है, वडगांव का कन्वेंशन दिया हुआ है, मैंगलोर दिया हुआ है, पुरंदर दिया हुआ है, सलपाई का ट्रीटी दिया हुआ है. ये सारी ट्रीटी मॉडर्न इंडिया की है एंड सिंपली आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ सूरत नोट्स के अंदर इसका मेंशन हुआ है. ट्रीटी ऑफ सूरत कब आई थी, फिर उसके बाद पुरंदर आया था, फिर उसके बाद सलवाई आया था, फिर बसीम. ठीक है, तो सिंपल मेंशन है. इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना था.
अगर आपको सूरत और पुरंदर भी मालूम है तब भी आप इसको आराम से क्रैक कर लो ये क्वेश्चन को, बस इतना ही करना होता है। मेक श्योर हमेशा इन चीजों के शॉर्ट नोट्स आप बना के रख लो, जब भी आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना हो तो इजिली आप रिवाइज कर लोगे एंड क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर दो एग्जामिनेशन के अंदर, तो दो क्वेश्चन आपसे इजिली दो मार्क्स आपका इजिली यहाँ से मिल जाएगा। यस, ऐप के ऊपर भी हमने किया था, यूट्यूब के ऊपर भी किया था, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था अगेन फ्रॉम द संगम ट्रेडिशन की मोस्ट डिफाइनिंग लिटरेरी फीचर क्या है संगम ट्रेडिशन का, तमिल अकम, पूरम, प्रबंधम, अकम एंड सोध। तो जनरली अगर आप नोट्स में जाओगे तो साफ साफ मेंशन है कि तमिल अकम वर्ड का मतलब क्या है, दिस वर्ड हैज स्पेसिफिकली बीन मेंशन, एंड अकम एंड पूरम के बारे में भी नोट्स में स्पेशली मेंशन है कि बेसिकली संगम पोएम्स जो होते हैं लव एज अ थीम होता है, वॉर एज अ थीम होता है, एंड ऑल्सो जब हमने सेशन भी किया था तो मल्टीपल टाइम्स हमने स्पेसिफिकली इस पे स्ट्रेस भी किया था, सो दैट यू आर मेकिंग श्योर कि ये पार्ट्स आपके गलत ना। सो अगेन सेम वेरी सिंपल फ्रॉम द नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के ऊपर, तो आर्य समाज किसने उसकी स्थापना की थी, देखो नोट्स के अंदर मेंशन है दयानंद सरस्वती आर्य समाज, जिसमें लिखा हुआ है स्थापना कब की थी, 75 में की थी, किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूल शंकर है, ये भी सीधे सीधे नोट्स के अंदर मेंशन है, पहली मीटिंग उसकी कब हुई थी ये भी यहाँ पे यहीं पे मेंशन है, तो एक ही पैराग्राफ के अंदर से पूरे के पूरे आपके पांच स्टेटमेंट यहाँ से निकल चुके हैं, पांचों के पांचों स्टेटमेंट एक ही पैराग्राफ से। ओके, तो सिंपल है, अगेन दो मार्क्स आपके जिसने भी ठीक से नोट्स पढ़े थे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं। ओके, एंड दिस इज आल्सो वन एरिया जो हमने बार बार स्ट्रेस किया था, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से हर साल हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जहाँ पे इन्होंने बोला था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस कब सेटअप हुई थी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुई थी इस पूरे क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए। एट द सेम टाइम इस साल में ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश रिकॉन्स्टिट्यूटेड हुए थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम थिंग आपके नोट्स में दी हुई है। इफ यू सी इसमें लिखा है पोटी श्रीमल्लू 56 डेज फास्टिंग करते हैं, इफ यू सी इन द नोट्स यहाँ पे साफ साफ लिखा है 56 डेज हंगर स्ट्राइक की थी उन्होंने वर्ड टू वर्ड अगेन। एट द सेम टाइम आपको बोला गया था पहला जो डिमांड है वो आंध्रा से, इफ यू सी द फर्स्ट लिंग्विस्टिक आंध्रा, सो अगेन समथिंग जो वर्ड टू वर्ड आपकी जो ऑप्शंस है दिस फ्रॉम योर नोट्स, और हमने तो आपको एक पार्ट का स्क्रीनशॉट दिखाया है, इफ यू जनरली सी दिस होल पीडीएफ वी हैव लॉट ऑफ लाइंस जो स्पेसिफिकली बार बार इन पे फोकस करते हैं, तो अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे सो ऑल दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर इट, क्योंकि हर कुछ बहुत ही इजिली आपके स्टडी नोट्स में मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह सभा मूवमेंट, अगेन एक ही पैराग्राफ आपको पढ़ना है सिंह सभा मूवमेंट का, एक पैराग्राफ आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, कब उसकी स्थापना हुई थी, अमृतसर में हुई थी ना कि जलंधर के अंदर हुई थी, बस क्वेश्चन आपका खत्म। अगर आपको मालूम है कि बी गलत है तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, स्थापना किसने की थी, क्या मोटिव था, एक ही पैराग्राफ के अंदर मेंशन है, उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिंह सभा मूवमेंट अगेन डन, मैंने पहले ही कहा था देखो इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे ही बिना बात के परेशान होते बोल रहे क्वेश्चन पेपर हार्ड है, सिंपल क्वेश्चन पेपर है, सिंह सभा मूवमेंट के बारे में पढ़ो एंड एग्जाम क्वेश्चन क्रैक करो, मूव ऑन करो, दो नंबर लो। ठीक है, आगे करते हैं। ओके, सो ऐसे तो वी हैव लॉट ऑफ क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जो कि मॉडर्न से निकले हैं, सो यू हैड कैबिनेट मिशन, वेवल, एटलीज अनाउंसमेंट, माउंट बैटन एंड क्रिप्स प्रपोजल। पहली बात तो इसके जैसे बहुत सारे हमने ऐप और यूट्यूब पे क्रोनोलॉजी सेशंस मल्टीपल टाइम्स किया है, बट अगेन इफ यू गो टू द नोट्स यू हैव ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट एवरीथिंग जो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है, अलॉन्ग विद कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, अलॉन्ग विद इनका टाइम फ्रेम एंड कौन इनके साथ एसोसिएटेड है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, प्लस ये कैसे क्वेश्चन थे जिसको हमने मल्टीपल टाइम्स ऐप यूट्यूब पे भी सॉल्व किया था, तो इफ यू वर कंसिस्टेंट विद दिस सेशन यू वुड हैव इजिली गॉट दिस करेक्टली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रीटी ऑफ बसीन भी दिखाया था, अगेन एक ही एग्जामिनेशन के अंदर एक ही पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ट्रीटी ऑफ बसीन अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ था, ट्रीटी ऑफ बसीन दोबारा पूछा है, इसी में वेल्लोर म्यूटिनी भी पूछा हुआ है, वेल्लोर म्यूटिनी तो मैंने कल ही पढ़ाया था, कल ही हमने 1887 की क्लास की थी, तो वेल्लोर म्यूटिनी देखो यहाँ पे मेंशन है, देन उसके बाद डेथ ऑफ नाना फडणवीस ये भी हमने थोड़े दिन पहले ही कवर किया था, रणजीत सिंह कैप्चर लाहौर कब किया था 1799 में, ये भी सीधे सीधे नोट्स के अंदर मेंशन है, चारों के चारों स्टेटमेंट नोट्स के अंदर मेंशन है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगेन अगर ये कोई आप पढ़ ले तो आराम से यहाँ पे दो मार्क्स आपके बन जाते। चलिए
देन मूविंग फॉरवर्ड अगेन अ वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको भी हमने मल्टीपल टाइम्स किया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बनी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ था, इसका पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, मद्रास महाजन सभा कब हुई थी, एंड इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. सो इफ यू सी योर स्टडी नोट्स, वी हैव मेंशन्ड द पर्सनालिटीज एंड द ईयर, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देन वी हैव सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मेंशन है, इल्बर्ट बिल के बारे में भी मेंशन है. तो अगेन समथिंग डायरेक्टली, प्लस हमने इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस भी किया था जब हमने एग्जाम के पहले ऐप और यूट्यूब सेशंस आपको कराए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? गुरु गोविंद सिंह के ऊपर है, बंदा बहादुर के ऊपर है, ठीक है, एंड उनकी रिलेशनशिप मुगल्स के साथ. तो बंदा बहादुर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर, बाद में बंदा बहादुर ने किस तरीके से लोहारगढ़ के अंदर हराया था. देन आप दूसरे स्टेटमेंट में जो मेन स्टेटमेंट है कि बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट कब किया गया था, एक बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपको ये नहीं मालूम तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिक्कत कर सकता है. तो यहाँ पे जैसे कि आपके नोट्स के अंदर मेंशन है, बिल्कुल सही था, 1716 के अंदर एग्जीक्यूट किया गया था. तो ये आपका क्रिटिकल स्टेटमेंट है. अगर आपको ई मालूम है जो कि सीधे सीधे नोट्स के अंदर मेंशन है 1716, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे. बाकी बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट पूछे हुए हैं, अगेन जो कि नोट्स के अंदर मेंशन है, जब हमने मुगल से कॉन्फ्लिक्ट भी किया था, जब हमने लेटर मुगल से भी किया था, तब भी इसके बारे में पढ़ाया गया था आपको. ओके ओके. So next question was, who hoisted the flag at Gwalior Tank 9th August 1942 during Quit India? तो ये आपके options थे. Again, if you see the notes, यहाँ पे साफ साफ लिखा, young Aruna Asaf Ali presided over the Congress committee session on 9th August and hoisted the flag. तो word आपके notes में specifically mentioned है with time कि किसने flag hoist किया था. If you read the notes properly, this would have been a very very clear way for you. Yes, again, direct question, बिल्कुल. Next चलते हैं बहलोल लोधी के ऊपर. तो आप देखो दोबारा से इसका, आप सीधे नोट्स पढ़ो एंड ये क्वेश्चन देखो. बहलोल लोधी ने अफगान लीडर्स को रोही कुछ से बुलाया और वो एकदम से तेजी से आ गए थे. ये भी नोट्स के बारे में मेंशन है, इस पर हमने बात भी की थी, ठीक है. देन आपका नेक्स्ट बहलोल लोधी वाला जो स्टेटमेंट है कि उसने शर्की किंगडम जौनपुर किंगडम को एनेक्स किया था, ये भी नोट्स के अंदर मेंशन है, ठीक है. सूर किंगडम तो उसके बाद आया था, तो वैसे आपको गलत हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है. तो बस इतना ही आपको जानना है. दो तीन स्टेटमेंट होते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको क्रैक करने के लिए, बस आपको दो तीन स्टेटमेंट मालूम होने चाहिए. मालूम है तो आप आराम से क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आराम से इजिली क्रैकेबल है. चलिए Okay, so the next question, again a very direct question from your notes. आपको पूछा गया था, when did Alexander Cunningham file Harappan seal? तो जब आप Harappan civilization का हमारे class का notes पढ़ेंगे, origin and extent, तो सबसे पहले ये line दी हुई है in the very first paragraph, 1853 में Alexander Cunningham जो British engineer थे, उनको एक Harappan seal मिली थी. So word to word, this has been asked from Harappan civilization, और आपके notes के पहले ही paragraph में ये जो आपका date है, ये specifically mentioned है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी सिस्टम. कितनी बार हमने इसके बारे में बात की थी, ऐप के ऊपर ही बहुत बार बात की थी, फ्री सेशन जो हमारे 11 बजे होते, 3 बजे भी बात की थी इसकी, एंड कोर्स नोट्स के अंदर ही मेंशन है, क्लियरली मेंशन है. मशरूत क्या होता था, कंडीशनल रैंक होता था, क्लियरली मेंशन है, ठीक है. चलते हैं आगे, तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. चलिए ओके, सो अनदर क्वेश्चन जो डायरेक्टली एंशियंट के नोट से आपके निकले, इट्स बेसिकली सबसे पहले आपको पूछा गया था, हस्तयुर्वेद जो है, जो स्पेशली डील करती है हाथियों के डिजीजेस से, ये किसने लिखी है? तो अगर आपकी जो सबसे पहली क्लास हुई थी सोर्सेस के, लिटरेरी सोर्सेस की, उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि हस्तयुर्वेद ऑफ पलकपा, तो ये बेसिकली आपका जो आंसर इज राइट हियर. इसमें स्पेसिफिकली आपके नोट्स में लिखा है 160 चैप्टर्स थे जो स्पेशली डील करते थे एलिफेंट्स के डिजीज से, क्या मेडिकेशन हो सकती, क्या सर्जरी. सो दिस इज स्ट्रेट अवे गिवन इन योर नोट्स. अगर आपने पढ़ा होता तो दिस अगेन क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के कैंपेन्स. आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था एंड ये इस साल भी आया है, रिपीट हुआ है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. नोट्स के अंदर में क्लियरली मेंशन है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले कैपिटल हुआ था, फिर टोकन करेंसी हुआ था, फिर कुरासान हुआ था, फिर लास्ट में कराचिल हुआ था. तो बस आपको जानना है, अगर आपको ये मालूम है कि लास्ट में कराचिल हुआ था, उससे पहले टोकन, उससे पहले कुरासान हुआ था, तो बस मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक द आंसर. तो बस आराम से आपका ये भी हो जाएगा, 2 मार्क्स आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं. Okay, so the next question again directly from your notes. सबसे पहले पूछा गया है, which of the following is an ancient treatise on mathematics? तो again, जब आप सबसे पहले खोलोगे आपकी जो गुप्ता पीरियड की जो क्लास है और जब आपकी लिटरेचर वाली जो पीडीएफ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, the root of Indian mathematics can be traced to Shaurashutras and Subhasutras. तो स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है
एंड अगर आपने ये पढ़ी होती तो ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है कि बेसिकली सुलभा सूत्र में एग्जैक्टली क्या क्या रेफरेंस है. तो अगर आपने इसको पढ़ा होता तो बहुत ही डिटेल्ड मेंशन है, वर्ड टू वर्ड मेंशन है, यू कुड हैव इजीली क्लियर्ड इट बाय रीडिंग द नोट्स. यस, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स. नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर किया गया था लेजिस्लेट करने के लिए ऑल इंडिया, मतलब ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज पे, तो कौन सा एक्ट से किया हुआ था? तो अगेन आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा और उसको सारी की सारी पावर दी जाएगी इंडिया पे लेजिस्लेट करने के लिए, क्लियरली नोट्स के अंदर मेंशन है. ओके, अगेन 2 marks इजिली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving to the next question, why is Ashoka's 13th rock edict very important? तो अगर आप generally notes खोलेंगे और यहाँ पे दो और question यहाँ पे दी हुई आपके comprehension में भी कि अशोका की जो कलिंगा वॉर है वो किस rock edict से. तो चलो ये तो easy है, but इसके लिए specifically अगर आप notes देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है rock edict 3 में कलिंगा वॉर का details है. At the same time जो भी kings के ऊपर इन्होंने power achieve की है उनका भी नाम दिया हुआ है, जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स में आपके रूलर्स है इनका भी नाम दिया हुआ है. कॉन्स्टेंटली रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आपको मैंने बोला था इस पे फोकस करने के लिए. सो ये पूरा का पूरा बहुत ही डिटेल तरीके से rock edict 13 के बारे में नोट्स में स्पेसिफिक मेंशन है. तो इफ यू वुड हैव रेड इट, इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट. नेक्स्ट है, देखो मोर देन इनफ है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड फॉर्म, क्लाइव ने फॉर्म किया था, ये हमने ऐप के ऊपर भी किया था. ठीक है, गवर्नर जनरल आपको पता ही है, हमेशा हम आपके साथ गवर्नर जनरल करते हैं, जॉन कार्टियर, वेयरसार्ट, कब कौन सक्सीड किया था. देन दीवानी एंड फौजदारी, ये आपका ट्रिकी हो सकता था, लेकिन जिसने भी कोर्स के जो नोट्स पढ़े होंगे वो इजिली आराम से कर लेगा. 1772 दीवानी एंड फौजदारी अदालत का गठन किया गया था, आप सीधे नोट्स के अंदर देख सकते हैं. बस इतना ही काफी, आपको 2-3 मालूम है तो एग्जाम के अंदर यहाँ मैच में तो आराम से आपका क्रैक हो जाएगा. एक गवर्नर जनरल है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्लाइव हो गया, एंड दीवानी एंड फौजदारी 1772 मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक द क्वेश्चन. चलिए ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. इसमें स्पेसिफिकली चौरी चौरा, एक तो चौरी चौरा का डेट भी मेंशन था, तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द नोट्स. चौरी चौरा वाज रिस्पांसिबल फॉर डीलिंग्स स्वराज. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने कहा था कि नो विद इन अ ईयर हमें स्वराज मिलेगी. एंड देन इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द नोट कि भाई मूवमेंट विड्रॉ हो गया, स्वराज नहीं मिला, तो वॉज द मूवमेंट सक्सेसफुल. तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन था, एंड प्रॉपर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज देयर इन योर नोट्स अलॉन्ग विद द डेट्स एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको जिसने रिकमेंड किया था एज बढ़ाने के लिए सिविल सर्विसेज की, तो ये कौन सा था? आप सीधे किसी नोट्स के अंदर देखो, एशियन कमीशन 1886 के अंदर, एंड लास्ट वाली लाइन देखो, रेजिंग द एज लिमिट टू 23. बस हो गया क्वेश्चन. ठीक है चलिए. ओके, सो अगेन टू बुद्धिस्ट सेक्स, हिनायन महायान को कब रिकॉग्निशन मिली थी? थर्ड बुद्धिस्ट, सेकेंड, फोर्थ नागार्जुन अशोका. तो इफ यू सी द नोट्स, पूरे पूरे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में 2-3 पेज का डिटेल रेफरेंस है. इफ यू रीड इट प्रॉपरली बहुत इजी तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट जाट सतनामी मुगल राजपूत एंड सिख कॉन्फ्लिक्ट, तो कब हुआ था? देखो सीधे सीधे हेडिंग ही है, जाट सतनामी अफगान एंड राजपूत कॉन्फ्लिक्ट, सतनामी 1672, देन गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूट किया था 75 में, देन राजपूत के साथ 79 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. बस हो गया आपका क्वेश्चन. ठीक है, सिंपल था. चलिए ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस था, एंड ये बेसिकली पोस्ट मॉरियन जो आपकी ट्रेड थी उस पे बेस था. तो जनरली मैंने आपको एक शॉर्ट दिया स्क्रीन शॉट का, बट जनरली टू रीड द एंटायर पीडीएफ, तो हर एक चीज जो यहाँ पे आपको बोली गई है इट वाज वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेड इन योर सेशन. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है मिंटिंग ऑफ कॉइन ज्यादा होते थे, इमिटेशन होता था, इवन दो मनी यूज होती थी, बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ. तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है बार्टर एंड कॉरी शेल्स ये भी शुरू ये भी थे इवन दो मनी सिस्टम चल रहा था. तो इफ यू न्यू दिस यू कुड हैव सिंपली आंसर्ड इट, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है. ऊपर से कॉस्ट कॉइंस को क्या बोलते थे, अगेन इफ यू रीड इट एंटायर डिटेल्स आर देयर. कॉइनेज कैसे एस्टैब्लिश हुई, पहला लाइन ही लिखा हुआ है ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड क्योंकि मनी इकोनॉमी एक्सपैंड किया. तो जैसे ही आप ये पढ़ते पहली लाइन यू शुड हैव नोट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉइंस के नाम भी दिए हुए, किस कॉइन को क्या बोला जाता था. सो ऑल दिस इज डायरेक्टली गिवन इन दिस एंटायर क्लास जो हम स्पेसिफिकली करते हैं पोस्ट मॉरियन ट्रेड पे. इफ यू हैव रेड इट तो ये बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे. हाँ, ये तो ये क्वेश्चन नाम डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर ही जाएगा, बट ऑब्वियस है, लेकिन आराम से क्रैक हो पा रहा है. ये भी 5 स्टेटमेंट आराम से क्रैक हो पा रहे थे. यस सर, आई एक्चुअली सी तो ये अगर आपने फर्स्ट 3-4 पैराग्राफ ही पढ़े होते तो ये सेम वाइज स्टेटमेंट्स को उन्होंने अलग तरीके से फ्रेम करके दिया था.
बस वो यही करना है, उन्हें नोट्स ही पढ़ने, आराम से क्वेश्चन क्रैक हो रहा है। एज ऑफ कंसेंट 1891, ये हमने क्रैक क्रैश कोर्स के अंदर भी क्वेश्चन किया था, इन्हीं कोर्स नोट्स के अंदर भी है। तो क्रैश कोर्स के अंदर देखोगे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ था, जिसके अंदर एज ऑफ कंसेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, कितना कर दिया था, 12 कर दिया था। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। ओके तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन था भीमबेटका का रॉक पेंटिंग्स पे, कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग की सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो हंटिंग बर्ड्स एनिमल्स, पर्चिंग, हंटिंग ऑफ बर्ड्स एनिमल्स, वो तो अगर आप प्रीहिस्टोरिक आर्ट की हमारी नोट्स पढ़ेंगे, जो स्पेसिफिकली पूरी की पूरी क्लास है, ये तो एक पेज का स्क्रीनशॉट है। इसमें पूरा का पूरा जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज ऑल मेंशनिंग कि भीमबेटका में एग्जैक्टली क्या क्या थे। तो हर एक लाइन में आपको स्पेसिफिटीज पता चल रही है, इफ यू रीड इट प्रॉपरली, तो हर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन है, ईच एंड एवरी थिंग जो उस पेंटिंग में मिला है। तो अगर आपने ये 1.5-2 pages पढ़े होते, तो ऑल दीज थिंग्स आर स्पेशली मेंशन इन द नोट्स विद डिटेल डिस्क्रिप्शन कि किस पोजिशन में और कैसे पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया था, ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स के अंदर किया था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। आप देखो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इधर को इधर भी दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट यूनियन इधर भी दिया हुआ, इधर भी दिया हुआ है, आपका आइसोलेशन भी इधर दिया हुआ, इधर भी है, एंड आपका इक्वल फेडरेशन उधर भी है, इधर भी है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब इससे बेहतर क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन हमने कराया था क्रैश कोर्स के अंदर, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिला हुआ था। ठीक है, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या होगा, बस आपको यही करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके सो हियर अगेन वेरी इजी क्वेश्चन कि एचआरए जो है, ये एचएसआरए कहाँ बना था, वी गॉट ऑल दीज थिंग्स। इफ यू रीड द नोट्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है फिरोजशाह कोटला ग्राउंड एट दिल्ली, 9th and 10th September को स्पेसिफिकली एचआरए एचएसआरए बन चुका था। सो इफ यू जनरली रीड इट वर्ड टू वर्ड, आपके नोट्स में ये फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मजर, तो आप देख सकते हैं 1579 एंड नोट्स के अंदर भी देख सकते हैं 1579। दूसरा आपको पता ही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस राजपूत के साथ जो थे उनसे अकबर का रिलीजियस एटीट्यूड काफी इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ये हमने टॉपिक किया था अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर किया था, जिसके अंदर अकबर भी पढ़ा था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबकी रिलीजियस पॉलिसी पढ़ी थी, अकबर पे पूछ लिया उन्होंने। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज क्रोनोलॉजिक। तो अगर आप नोट्स देखोगे तो हर कुछ के बारे में हमने मेंशन किया है, ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, काकोरी रॉबरी, देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वराज पार्टी कब बनी थी, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन, एवरीथिंग इज स्पेसिफिकली गिवन इन द नोट्स। तो अगर आपने पढ़ा होता तो इयर्स के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा चीजें भी आती तो यू वुड हैव बीन वेरी इजीली एबल टू क्लियर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के ऊपर, कुतुब मीनार के ऊपर। ठीक है, तो आप देखो कुतुब मीनार क्या बोला हुआ है, कुतुब मीनार का कि कुतुब मीनार का ओरिजिनल प्लान 5 stories का था, नहीं, नोट्स के अंदर आप देखो सीधे सीधे बोला हुआ है कि 4 story का था ओरिजिनल, लेकिन 5वीं बाद में ऐड की गई थी फिरोज के द्वारा। देन आप लास्ट स्टेटमेंट देखोगे गियासुद्दीन तुगलक का जो आर्किटेक्चर था वो इल्बरीज से इन्फ्लुएंस था, लेकिन आप नोट्स के अंदर अगेन जाके देखो तो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इनका न्यू आर्किटेक्चर था, ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं था, ये अपना इनका न्यू आर्किटेक्चर था। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है एंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, बस आपका क्वेश्चन क्रैक हो गया, 2 statements आपको जानना जरूरी है। ठीक है, मोर देन इनफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप देखोगे तो वर्ड टू वर्ड ये भी हमारे नोट्स हैं। इसमें लिखा मेगालिथ साइट्स वर दी सेंटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो अगर आपने मेगालिथ के नोट्स पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये एग्रो पास्टोरल हंटिंग एक्टिविटी में थे, क्राफ्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज होते थे, जहां पे चीजों का एक्सचेंज होता था, एंड ये एक तरीके का लिंक की एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली लिखा है मेरी मेगालिथ साइट्स इंपॉर्टेंट रूट्स पे बेस्ड थे। तो इफ यू जनरली सी आपके नोट्स में साफ साफ लिखा है इट इज नॉट वर्दी दैट मेगालिथ साइट्स जो थे वो हाईवेज ट्रेड रूट्स में मोस्टली सिचुएटेड थे, कुछ तो रीजनल सेंटर्स ऑफ exchange भी थे। तो if you have just read it, you would have answered this also, क्योंकि साफ साफ notes में दिया हुआ है। Third, amphora आपको बोला गया था, ये large coins होते हैं। तो अगर आप generally notes पे पढ़ोगे तो specially लिखा है Indo-Mediterranean contact pottery से भी मिलते थे, 2 Roman pottery जो मिले हैं, amphora jars and terra silicata। तो if you would have written, you would have known कि ये coin नहीं है, ये pottery है। So all this has been in detail given in your notes। तो अगर आपने थोड़ा detail में पढ़ा होता तो word to word ये theory question जिसमें लोगों को गड़बड़ हो रही होती आपको नहीं होती, you would have been able to answer it। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफी बड़ा है, 5 statements दी हुई है। नॉर्मली क्या होता है 5 statements देख के लोग घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे क्रैक करेंगे,
लेकिन अगेन आप नोट्स के अंदर देखो, इसमें पहले स्टेटमेंट के अंदर रजिया बोला हुआ है लेकिन रजिया नहीं था, नोट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है बलबन के बारे में कि बलबन ने खाजा को अपॉइंट किया हुआ था। देन फिरोज ने टकवी लोन नहीं दिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने टकवी लोन दिए थे, अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इदारा सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। ये चार स्टेटमेंट काफी है, ठीक है, एंड चारों के चारों आपको नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। आपका ख्वाजा भी दिया हुआ है, आडा का, मोहम्मद बिन तुगलक का, टकवी लोन, सुंदर लोन भी दिया हुआ है। ओके चलिए, ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था कि महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे जो चंपारण नहीं गए थे। तो अगेन इफ यू सी द नोट, साफ साफ लिखा हुआ है राजकुमार शुक्ला का डिसीजन था, ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरी। सो हर आदमी जिन्होंने इनकी साथ दी थी, देयर इज अ प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन। सो ऑल इन ऑल यू वुड हैव नोन की एनी वेसन नहीं है एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे इट हैज बीन स्पेशली मेंशन। इफ यू हैव रेड द नोट्स, दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी सिंपल फॉर यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बलवन के ऊपर है, बलवन की थ्योरी ऑफ किंगशिप के ऊपर है, अफरासियाब के ऊपर है। अब देखो डी स्टेटमेंट, आप देखो डी स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है कि अरबिक लेजेंडरी हीरो अफरासियाब, तो उनसे अपनी जेनोलॉजी को ट्रेस करते हैं। आपको मालूम हो ईरानियन किंग अफरासियाब थे, नॉट अरबिक, ईरानियन किंग थे। बस आपको यहां से डी ही हटाना है, डी इलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर है, बस ईरानियन किंग अफरासियाब, वो अरेबियन नहीं थे, ईरानियन थे, खत्म आपका क्वेश्चन। ओके सो अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको मेजर रॉकेटिक्स आए थे और आपको मैच द फॉलोइंग आया था। तो अगर आप अपना मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का नोट्स देखेंगे तो देयर इज एन एंटायर टेबल जो मैंने आपको दिया है कि किस टेबल में एक्जैक्टली क्या लिखा है। सो थ्योरी ऑफ किंगशिप, अशोका धम्म यात्रा, तो यू शुड सी टुक अप धम्म यात्रा, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा, रिलीजियस टॉलरेंस, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो जनरली अगर आप देखोगे तो वी हैड गिवन यू दिस टेबल एंड ऑल्सो धम्मा की भी आपकी एक पूरी की पूरी क्लास नोट्स है जहां पे और भी रॉकेटिक्स के बारे में स्पेशली मेंशन है। तो अगर आपने वो तो किए होते तो यू वुड हैव बीन इजीली क्लियरिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ददनी सिस्टम के ऊपर है, ददनी सिस्टम की इंटेंशन क्या थी, किस लिए ददनी सिस्टम आया था, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो मर्चेंट्स के साथ क्रिएट करना चाहते थे, इंडियन मर्चेंट्स के साथ। तो यहाँ पे बस आपको ददनी मर्चेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, ददनी मर्चेंट मालूम है जो कि नोट्स के अंदर मेंशन है, क्लियरली आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। देखो ददनी मर्चेंट्स वो अंदर से टेक्सटाइल सप्लाई करते थे, तो इससे होता क्या था, आपका ट्रेड प्रॉस्पर करता था, इनलैंड ट्रेड भी एंड फॉरेन ट्रेड भी, तो अंदर से भी आपका ट्रेड प्रॉस्पर करता था, फॉरेन ट्रेड प्रॉस्पर करता था। तो यही पूछा गया, हो गया बस आपका क्वेश्चन। ओके देन वी डिड गुप्ता पीरियड एवरीबडी, तो गुप्ता पीरियड में हमने इकोनॉमी की क्लास की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास की थी, तो आपको सीधा सीधा बोला गया है इनमें से कौन सी गुप्ता पीरियड की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो कि इंस्क्रिप्शंस में बेस्ड है। तो इफ यू सी द एंटायर क्लास नोट्स, ये तो एक पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट है, तो यू स्पेसिफिकली सी दामोदर कॉपर प्लेट बुद्ध गुप्ता के टाइम पीरियड में अष्टकुला अधिकरण की बात करते हैं जो स्पेसिफिकली इधर मेंशन्ड है। स्पेसिफिकली ये भी लिखा गया है सांची इंस्क्रिप्शन जो है चंद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में, ये पंचमंडली के बारे में बात करती है, विच इज हियर। सो एग्जैक्टली विद द इंस्क्रिप्शन नेम आपको पूरे डिटेल्स दिए गए थे एंड बहुत ही इलैबोरेट आपके नोट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो यू वुड हैव बीन इजीली एबल टू क्लियर इट, क्योंकि यू वुड हैव नोन कि ये सब आपके नोट्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हमने थोड़े दिन पहले किया था, तो पांच स्टेटमेंट भले ही आपके सामने दिए हो लेकिन हमने पूरा का पूरा बहुत डिटेल के अंदर किया था, गेटेड इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल एक्सपीरियंस एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ऑल। तो ये पांच स्टेटमेंट इसी टॉपिक के अंदर आते हैं, पांच के पांच स्टेटमेंट यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, बैकवर्ड हो गया था बिल्कुल, सबका सब यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लरिश जो कर रही थी उनके आने से पहले वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये ही आपके इसी टॉपिक के अंदर कवर किया गया है। चलिए ओके सो देन वी हैड अ क्वेश्चन ऑन INA ट्रायल्स, बाय ऑलवेज टोल्ड यू INA ट्रायल्स हो गए, RIN म्यूटनी हो गए, ये कॉमनली कास्ट क्वेश्चन है। तो INA के बारे में कैसे रीस्ट्रक्चरिंग हुई, कैप्टन मोहन सिंह का कॉन्ट्रीब्यूशन है, सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप हुई एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। सो एक पूरा का पूरा आपकी क्लास है INA और RIN म्यूटनी पे, एंड यू विल सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट, मोहन सिंह की कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज, सो दिस एंटायर होल class on INA and RIN. So, agar aapne ye padhi hoti, to this would have been easy for you to read. Yes, next question ki taraf chalte hain. Raja Ram Mohan Roy, Christianity and Jesus Christ. Aap pehla paragraph dekho, iske andar unhone mention kiya hua hai, kis tarike se unhone claims of superiority of Christianity ko reject kiya hua hai. Ye bhi aapka question ke andar mention hai. Then aapka 1820 precept of Jesus likhi hui thi. Ye bhi aapka question ke andar mention hai. Dono statement mentioned hai. आपका आराम से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एवरीबॉडी, ये एक ऐसी चीज है जिसको मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ऐप और यूट्यूब पे मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स कराया है. तो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो वी हैव डन ऑल इंडिया फेडरेशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेशन, फेडरल कोर्ट, ऑटोनॉमी. आई थिंक इसको हमने मल्टीपल टाइम्स किया है. तो अगर आपके पास क्लास नोट्स भी नहीं थी, अगर ऐप और यूट्यूब देखा है, तो दिस वन क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड वी हैव ऑलवेज डिस्कस मल्टीपल टाइम्स. हाउएवर देयर इज दिस होल डिस्क्रिप्शन ऑफ 1935 एक्ट इन योर क्लास नोट्स एज वेल, जिसमें सारी चीजें मेंशन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेंट जो कि वैष्णव ट्रेडिशन से थे, कौन थे? नमालावर थे. नमालावर देखो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे. ठीक है, क्लियरली मेंशन है. ठीक है, अलवर से म्यांमार ट्रेडिशन, अलवर से म्यांमार, इसमें यहाँ पे नमालावर का बारे में हमने बताया था नोट्स के अंदर. सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आगे ऑन करते हैं. जो कि आपके शाखा एडमिनिस्ट्रेशन पे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नोट से निकल सकते थे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एक सेशन किया है ऑन द शाखा पल्लवा एंड ऑल्सो ऑन शाखा क्षत्रप एंड महाक्षत्रप. तो ये जितने भी डिटेल्स हैं, इसमें से तीन आप सीधे सीधे प्रॉपर एलिमिनेट कर सकते थे इफ यू वुड हैव रेड दिस एंड फॉलोइंग टू थ्री पैराग्राफ्स, जो स्पेशली बहुत ही डिटेल में आपके नोट्स में मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बालाजी बाजीराव का अपॉइंटमेंट कब हुआ था. अगर आपको इतना भी मालूम है उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 1740 में, जो कि नोट्स के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, तो क्वेश्चन आपका क्रैक हो गया. आपको बाकी के तीन स्टेटमेंट देखने की जरूरत है भी नहीं, बस इतना ही मालूम होना चाहिए बालाजी बाजीराव एज अ पेशवा कब अपॉइंट किए गए थे, 1740 में. दैट इज, दैट्स इट, मोर देन इनफ. तो ये आपका क्वेश्चन क्रैक हो गया. वैसे तो ऑक्सलो चैपले ये भी आपका कराया हुआ था, देन डुप्लेक्स गवर्नर बने थे पॉन्डिचेरी के, ये कराया हुआ था. देन ला गुडवानी, उन्होंने मद्रास को कैप्चर किया हुआ था, तो ये तो कराए हुए थे तीनों के तीनों स्टेटमेंट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोर देन इनफ. चलिए ओके. So again, there's this whole concept-based questions on Buddhism, that Dharmachakra in ka objective tha. Dhammapad was technically describes how a monk bhikshu should live. Therwada Buddhism ke baare mein tha. And Ahimsa Bhakti. To agar aap Dhammapad dekhoge, to aapki jo specifically sources ki class hai, usme specifically likha hua hai, Khuda ka Nikaya contains Dhammapad, jo specially aapki question mein hai. Ye kya hai? Collections hai jo deal karte hai ethical saying ke saath. So this is absolutely correct, which you should see. It's there in the notes. And ye saare jo bhi objectives hai Dharmachakra, everything is being mentioned in the notes along with कौन से schools हैं और कौन से schools God को worship करते हैं नहीं करते हैं, पूरा ही detail reference है which is given in your class notes. Next question किस चीज के ऊपर है? अकबर एंड कानूनगोज के ऊपर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कानूनगोज के बारे में हमने दो session के अंदर इन चीज का जिक्र किया हुआ था. एक परगना administration कानूनगोज किस लिए अपॉइंट है, एंड एक स्पेशल सेशन हमने जहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा था कानूनगोज का, जहाँ पे जोधरमल को मुजफ्फर खान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अकबर के द्वारा कि आप कानूनगोज को अपॉइंट कीजिए, कानूनगोज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कैसे कैसे लैंड कल्टिवेट होता है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे कानूनगोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है. कानूनगोज को कोई जागीर नहीं दी जाती थी, इस स्टेटमेंट के अंदर ये एब्सर्ड स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि उनको जागीर दी जाती थी, ठीक है, तो ये तो गलत है. ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया. देन आपको नोट्स के अंदर सारी की सारी चीजें मेंशन नहीं, कानूनगोज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो मोर देन इनफ. चलिए ओके. So this is one question जो हमने multiple times app session में किया है कि गौतम बुद्ध जो है specially इन्होंने stress की थी the need to protect cows, ये कहाँ है. तो if you have seen, तो we have done this multiple times in one of our app sessions. तो अगर आपने app sessions किया होगा तो you will be very very clear with it. Plus हमने हरप्पन civilization पे एक और app session किया word to word question, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था पंचतंत्र का pattern जो है वो basically जो मिला है वो कहाँ पे मिला था, the design, and that is also one of the latest question we did. And जब मैंने question paper देखा word to word that question had come. तो जिन्होंने सेशन के थोड़ा टाइम पहले हमारे आप सेशंस देखे होंगे और हरप्पन सिविलाइजेशन की क्लास देखी होगी, दैट वाज वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मुगल राजपूत अलायंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कौन सा इसका पार्ट नहीं होता था. तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ था आपका मनसबदारी एंड सुलह कुलियान, बी एंड ई, तो ये आपका आंसर दिया हुआ था. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पे हमने इस चीज का जिक्र किया हुआ था किस तरीके से जो मुगल्स की जो मनसबदारी की पोजीशन थी, अगर मैं बात करूँ कितने राजपूत होते थे, तो यहाँ पे आपके इस फिगर के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इतने राजपूत नहीं थे, बहुत कम राजपूत होते थे, मनसबदारी का पार्ट बहुत कम हुआ करते थे. ठीक है, तो मनसबदारी यहाँ पे मनसबदारी एंड इनाम जागीर, हाँ मनसबदारी एंड इनाम जागीर यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बी एंड डी.
बी एंड डी यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द सुलह कुल भी हो सकता था, लेकिन सुलह कुल एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर ये सबके लिए था, तो यहाँ पे एक मार्क कर पाना कि उसका पार्ट नहीं थे सुलह कुल का, तो सुलह कुल पीस फॉर ऑल था, तो उसका पार्ट हुआ करते थे एक्चुअली। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सुलह कुल एक रिलीजन था, नहीं, तो वो एक सोशल ऑर्डर था जो अकबर स्थापित करना चाहता था, जिसका सभी पार्ट हुआ करते थे। तो इसी वजह से करेक्ट आंसर किया जाएगा इनाम जहांगीर एंड मनसबदारी। मनसबदारी की फिगर्स यहाँ पे आपको नोट्स के अंदर दी हुई थी, कितने कम हुआ करते थे अकबर के टाइम पे मनसबदार्स, एंड यहाँ पे इनाम जहांगीर तो दी नहीं जाती थी उनको, तो ये भी आपका मेंशन था। चलिए चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये कुछ ही क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू वन मोर सेशन जहां पे मोर भी क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। सो बिफोर दैट, बिफोर वी एंड द सेशन, प्लीज मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द मेगा वर्कशॉप जो कि होने वाला है 1 नवंबर ट्यूसडे को 8 बजे, जहां पे आप डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। जब यूजीसी नेट क्लियर हो जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो सफर है वो कैसे तय करेंगे, कैसे इंटरव्यूज क्रैक करेंगे, क्या क्या एग्जामिनेशन दे सकते हैं टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू हैव अ मेगा डिस्कशन। प्लीज मेक श्योर कि आप पहले से ही रजिस्टर कर ले इन द लिंक्स आई हैव पोस्टेड मल्टीपल टाइम्स इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिएगा एंड मीट मी ऑन ट्यूजडे, डू नॉट फॉरगेट। यस तो हमने एक शॉर्ट सेशन आपको आपके लिए किया था कि जिससे आपको एक आइडिया लगे किस तरीके से आपको नोट्स को रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ना होता है, ज्यादा ज्यादा सोर्सेज नहीं पढ़ने होते, नहीं पढ़ने होते हैं, बस आप नोट्स को पढ़िए एंड प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिस इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जेआरएफ भी हमारा एम होता है, तो उसी के लिए हमने एक शॉर्ट सेशन किया था। पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हम शिफ्ट 1 भी करेंगे, शिफ्ट 2 भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम कंपाइल कर रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एंड कहाँ कहाँ से नोट्स आया हुआ था, तो वो भी आपको हम कराएंगे पूरा का पूरा। लेकिन अभी सेशन के अंदर हमने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपको नोट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, हाँ जी, So if you have any queries, you can always ask us. And as the sir ne bola, the intention of the session was just to show, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोर्स से कितना है, so this is firstly to tell all of you. And also ये सिर्फ एक ही session है, जितना हम कर पाए इतनी जल्दी जल्दी के time period में. And if you start bouncing, so we are going to show you more questions as well. तो ये हमारे कोर्स है, please make sure कि अगर आपको bilingual English enrollments करानी है तो please make sure आप जल्द से जल्द batches को जरूर join कर ले. So thank you so much for attending the session everyone, and results will be out very soon. So I hope most of you who have attended the course, you did messages in a very very positive way. So we are wishing you a lot of good luck and we hope ki is baar jo JRF ka sapna hai wo bilkul bilkul sakar ho jaye and you move towards the life of your dreams. Yeah, okay, thank you very much guys and keep preparing for the UGC NET examination.